बूबीज अपने 5.9 फीट के परों के साथ सबसे बड़े आबी परिंदे हैं। पानी की सतह के करीब ही ये मछली का शिकार करते हैं। ये अपने परों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ते हैं और ये इस काबिल होते हैं कि 98 फीट की बुलंदी से मछली को ताक लेते हैं। मछली को पकड़ते हुए ये अपने परों को मोड़ते हैं और तीर की तरह सीधा गोता लगाते हैं। इस किस्म के गोते के दौरान इनकी मजबूत खोपड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इलावा अजी इनके सरों में मौजूद हवा का खिला उन्हें डुबकी के दौरान के झटके को जज्ब कर लेता है। बूबीज खड़ी चट्टानों पर कॉलोनियों में रहते हैं या किनारों के नजदीक छोटे जजीरों में रहते हैं। ऐसी बुलंदी पर जमीन पर घर बनाने वाले इनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये परिंदे जो ज्यादा हरारत में और गर्म इलाकों में रहते हैं अपना ज्यादा वक्त समंदर में गुजारते हैं। जजीरों और किनारों पर कॉलोनियों में ये अफजाइश नस्ल करते हैं। बूबीज कनाडा के मशरकी समंदर के किनारे पर खड़ी चट्टानों में अपने घोंसले बनाते हैं। ये घोंसले बड़े फैले हुए होते हैं और 11 से 12 इंच तक बुलंदी पर पहुंचते हैं। घोंसले की तामीर में पौधे, समंदरी पौधा, पर और मिट्टी इस्तेमाल होते हैं जिसमें गुआनो नामी मादा मिलाया जाता है। बूबीज जहाँ अपने घोंसले बनाते हैं वो बड़ी शोर शराबे वाली जगह होती हैं। ये परिंदा फौरन इस काबिल होता है कि अपनी आवाज निकाल कर 10 में से 1 सेकंड में हजारों दूसरे परिंदों के दरमियान में अपने साथी को ढूंढ लेता है। सींचने के लिए वालदैन अपने बच्चों को पलटते हैं। वालदैन परिंदे घोंसले की तरफ टांगे झुकाकर चलते हैं, अपनी टांगों को अंडों के गिर्द लपेटते हैं और उन पर बैठते हैं। अंडों में 43 से 44 दिन तक छोटा सा सुराख नमूदार होता है। अगले 36 घंटों में एक छोटा कमजोर चूजा अंडे से बाहर आता है और अपनी आंखें खोलता है। चूजा 10 दिनों में तेजी से बड़ा होता है और उसके वालदैन उसकी हिफाजत करते हैं। खानदान चूजे की खुराक के साथ मदद करता है। जब वालदैन खुराक के साथ घोंसले में वापस लौटते हैं तो चूजे उसके लिए फौरन उठते हैं और अपने सर हिलाते हैं। ये बड़े भूखे होते हैं जिसका इजहार वो बुलंद होती हुई मोनोटोनिक आवाज निकाल कर करते हैं। खुराक जो वालदैन के मेदे में पहले ही से हजम हो चुकी होती है वो उन्हें मिलती है। आखिरकार ये एक पूरी मछली खाने के काबिल हो जाते हैं। ये बच्चे परिंदे वालदैन के मेदे के माए से उगता जाते हैं। बूबी परिंदों को एक जानने वाली खसूसियत हासिल है। जिन जगहों में ये परिंदे रहते हैं वो एक वक्त बिजली घरों के तौर पर इस्तेमाल होते थे। यहां तक के 20वीं सदी में बिजली घरों की तामीर हुई। अल्लाह ताला ने बूबी परिंदों को सफेद पर दिए हैं जो इंसानों की खिदमत के लिए अंधेरे में चमकते हैं। एक वक्त में जब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी तो इस तरह की मुनासबत की मौजूदगी यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रहमत थी। अल्लाह ताला अपनी रहमत को कुरान पाक में बयान करता है जो उसने इंसानों पर की। क्या तुम लोग नहीं देखते कि अल्लाह ने जमीनों आसमानों की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसख़र कर रखी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इस पर हाल यह है कि इंसानों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में तुमसे झगड़ते हैं,
بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔